वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अलर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। So the topic of today's video is 125 solved MCQs on research methods in psychology, and where there'll be a need of explanation of MCQs or statements, I will explain there too. So without any further delay, let's move towards the MCQs. So the number one MCQ is statistical procedure used in describing the properties of samples or of population where the complete population data are available are referred to as inferential statistics, descriptive procedures, descriptive statistics, or parameters. The right option is option C, descriptive statistics. Descriptive statistics overall population or sample ki properties ko define karti hai on the present data. So overall isko hum descriptive statistics kahenge. Number 2. Statistical procedure used in drawing of inferences about the properties of population from the sample data are frequently referred as inferential statistics. Inferential statistics mein sabse pehle inferences ka meaning pata hona chahiye. Inferences mean to make conclusion on the basis of logic and reasoning. लॉजिक एंड रीजनिंग की बेस पे जब हम ओवरऑल पॉपुलेशन के सैंपल पे एक पर्टिकुलर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, उनके बारे में लॉजिक्स या रीजन ड्रॉ करते हैं, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। नंबर 3, डैश इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वेयर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आर यूज्ड इन ईच कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को यूटिलाइज किया जाता है हर कंडीशन के लिए। So the right option is option D, both B and C. It's mean इस मेयर को या इस डिज़ाइन को इंडिपेंडेंट मेयर डिज़ाइन भी कहा जाता है और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन भी कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हर कंडीशन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। नंबर 4, एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेयर द सेम पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट इन ईच कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे है कि अब सेम पार्टिसिपेंट्स हर कंडीशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। दिस मीन दैट ईच कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को रिपीटेड मेयर डिज़ाइन भी कहते हैं, विद इन ग्रुप डिज़ाइन भी कहते हैं और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। सो कोई भी नेम जो है आ सकता है। सो आपको क्लियर होना चाहिए इसके 3 नेम्स हैं और इसके अंदर जो है वो सेम पार्टिसिपेंट्स यूटिलाइज होते हैं हर कंडीशन के लिए। Number 5, an experimental design where pair of participants are matched in terms of key variables such as age or socioeconomic status. One member of each pair is then placed into experimental group and other member into control group. So the right option is option D, matched pair design. मैच पेयर डिज़ाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स को मैच किया जाता है, यानी कि उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी बेसिस पे उनके पेयर्स बनाए जाते हैं और फिर उन दोनों को जो है वो एक को कंट्रोल ग्रुप में और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन किया जाता है। नंबर 6, नॉमिनल स्केल्स आर ऑल्सो नोन एज डैश विदाउट एनी क्वान्टिटेटिव वैल्यू। ऑप्शन ए लेबल्स, ऑप्शन बी कैटेगरी, ऑप्शन सी नेम्स एंड ऑप्शन डी न्यूमेरिक वैल्यू। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लेबल्स। नंबर 7, इन डैश स्केल ऑर्डर ऑफ वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑर्डिनल स्केल। सो सबसे पहले मेजरमेंट स्केल्स की अगर हम बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, जिसमें नंबर 1 पे है ऑर्डिनल, नंबर 2 नॉमिनल, नंबर 3 है इंटरवल एंड नंबर 4 है रेशियो स्केल। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। वेट, लेंथ, टाइम एंड स्पीड आर सम वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड ऑन ऑप्शन ए रेशियो स्केल, ऑप्शन बी इंटरवल स्केल, ऑप्शन सी नॉमिनल स्केल एंड ऑप्शन डी ऑर्डिनल स्केल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेशियो स्केल। हम रेशियो स्केल के थ्रू जो है वेट, लेंथ, टाइम एंड स्पीड को मेजर करते हैं। नंबर 9, कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री सर्वे इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्केल। सो इट्स ऑर्डिनल स्केल, जहाँ पे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के बारे में कस्टमर से पूछा जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है उनको किस तरह का लगा है, सेटिस्फैक्ट्री है, वेरी सेटिस्फैक्ट्री है या फिर डिससेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल ऑर्डर में जो है ऑप्शन जो है उनके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। सो इस तरह से उनकी
ओपिनियंस लिए जाते हैं. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नंबर 10, स्केल्स वेयर द एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट इज अननोन आर नोन एज ऑप्शन ए इंटरवल स्केल. याद रखना है कि इंटरवल स्केल्स के अंदर एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो है अननोन होता है. एग्जैक्टली जीरो से बिलो भी वैल्यूज जो है वो फॉल करती हैं, लाई करती हैं. सो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो जो है वो इसके अंदर लाई करता है. नंबर 11, जेंडर लाइक मेल फीमेल एंड कलर्स लाइक ब्राउन वाइट एंड ब्लैक आर एग्जाम्पल ऑफ विच स्केल. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल्स. नॉमिनल स्केल्स को नेमिंग स्केल भी कहा जाता है, जिसमें फोकस जो है वो क्लासिफिकेशन पर होता है, ऑर्डर पे नहीं होता. जैसे कि अगर जेंडर को असेस करना है तो हम कह सकते हैं कि एक नॉमिनल स्केल यूटिलाइज किया जाएगा, ताकि एक पॉपुलेशन में असेस किया जाए कि मेल ज़्यादा हैं या फीमेल्स, और उनकी रिलीजियस एफिलिएशन क्या है, और इसके साथ साथ उनका हेयर कलर क्या है. सो इस तरह की क्लासिफिकेशन को नॉमिनल स्केल के अंदर कंसिडर करेंगे. नंबर 12, द स्केल वेयर एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट इज नोन. ऐसा स्केल जिसमें एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो है वो नोन होता है, उसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? इट्स बेसिकली रेशियो स्केल. इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं लेंथ, हाइट, वेट, टाइम. सो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर एब्सोल्यूट जीरो हमेशा से नोन होगा, यानी बिलो जीरो कोई भी वैल्यूज जो है वो फॉल नहीं करेंगी. नंबर 13, डैश ऑल्सो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो रेशियो स्केल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को. नंबर 14, सेक्स, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस आर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड को असेस नहीं किया जा सकता, सो इनको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नहीं कह सकते. नंबर 15, विच वेरिएबल इज अनमेजरेबल विद द स्केल एंड एज सच इज अनएक्सप्रेसिबल इन मैग्नीट्यूड. So it is qualitative variable. Number 16, a variable which can theoretically assume all values within a certain interval and as such are divisible into smaller and smaller fractional units is known as continuous variable. Continuous variable के अंदर कोई भी numeric value आ सकती है, जिसमें वो value जो है वो divisible होगी smaller units के साथ या smaller से smaller fractions के साथ. और इसको कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा आता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हाइट को मेजर करना है या फिर वेट को मेजर करना है, जो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा कंटिन्यूस होंगी. सो इस लिहाज से हाइट एंड वेट आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स. नंबर 17, व्हेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय डेफिनेट अमाउंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स. डिस्क्रीट वेरिएबल्स को आपने इस तरह याद रखना है कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो नॉन कंटिन्यूस होगा, यानी कि फिक्स डाटा होगा. और इसके साथ साथ हम इसके एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड अ हॉस्पिटल पर वीक या फिर अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ पर्टिकुलर स्टोर. सो यहाँ पे जो डाटा होगा वो हमारे पास एक फिक्स्ड आएगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा. नंबर 18, जनरली मेजरमेंट ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग. Number 19, when the classification is done with respect to one attribute which is dichotomous in nature is known as simple classification. Aur dichotomous ki example hum gender ki le sakte hain jisme male aur female aate hain. Number 20, a table which contains data on two characteristics is called a bivariate table. Number 21, the related facts or observations which are grouped into classes or categories are known as classification. Number 22, when the data are depicted pictorially or graphically, we call it graphical representation of data. Number 23, a set of rectangles whose arcs were in proportion to class frequencies is known as histogram. Histogram की अगर हम बात करें तो जो डाटा है वो bars की form में या rectangles की form में show किया जाता है, जिसमें y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं और x एक्सिस पे बेसिकली इंटरवल्स होते हैं, जो शो कर रहे होते हैं कि डाटा की रेंज क्या है और कहाँ से कहाँ तक डाटा लाई कर रहा है. और इसी तरह जो हाईएस्ट बार होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ लाई करती है. सो ओवरऑल जब हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में शो करेंगे डाटा को या डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो हिस्टोग्राम कहलाएगा. Number 24, if a curve has a long tail on right side, it is called a positive skewed curve.
जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टेल है वो राइट साइड पे जा रही है, सो इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड इफ अ कर्व हैविंग अ लॉन्ग टेल ऑन लेफ्ट साइड, इट इज कॉल्ड अ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लॉन्ग टेल जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही होगी. नंबर 26, व्हेन द क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, इट इज इन नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल को याद रखना है, नेमिंग स्केल भी कहा जाता है, जिसमें लेबल्स असाइन किए होते हैं डाटा को विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, जिसमें हम जेंडर की बात कर सकते हैं, मेल या फीमेल आते हैं. इसी तरह हम रिलीजियस प्रेफरेंसेस पता कर सकते हैं, रिलीजन क्या है किसी का, तो ओवरऑल हमने ऑप्शंस जो हैं उनको दिए होंगे जिसमें से वो अपना रिलीजन जो है वो हाईलाइट करते हैं. इसके अलावा कंट्री की बात की जाए या फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स या आपके फेवरेट हॉबीज क्या हैं, सो ओवरऑल ऐसा डाटा जिसके अंदर आपने क्वालिटेटिवली एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, वो नॉमिनल स्केल के अंदर कंसिडर किया जाएगा. नंबर 27, हु स्टेटेड दैट अ टेस्ट इज वैलिड इफ इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. सो इट वॉज सेट बाय कैले, और अकॉर्डिंग टू कैले एक टेस्ट को तभी हम वैलिड कह सकते हैं जब उसके अंदर के आइटम्स जो हैं वो उस टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और कैले ने ही वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. नंबर 28, इफ देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इंडिकेट्स अ एक्सपेरिमेंट हैज हाई वैलिडिटी. Number 29, extent to which the result of a study can be generalized to other setting is known as reliability. Reliability को आप replication से याद रखें कि हमेशा एक research की reliability तभी होगी जब वो replicable होगी, यानी वो किसी और setting में भी apply हो और उसके results भी उसी तरह के आए, so उसको generalize किया जा सके other settings में भी. Number 30, when group of interconnected facts are joined together, it is known as scientific theory. Number 31, a type of validity refers to extent which a test captures a specific theoretical construct or trait. So it is known as construct validity. Construct validity में ये analyze किया जाता है कि एक जो new test construct हुआ है उसके linked क्या हैं, उसके theoretical basis क्या हैं previous researches के साथ, जिसमें हम अगर example लेते हैं intelligence test का, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जब भी कोई बनाएगा तो उसके पीछे एक बेस होगी, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में से कोई एक थ्योरी होगी या फिर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस होगा. सो ओवरऑल इस वैलिडिटी में ये एनालाइज किया जाता है कि एक टेस्ट के अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो कितना वो टेस्ट कर सकता है, उसके टेस्ट के जो स्कोर्स हैं क्या वो इंटरप्रिटेशन और ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशनल टर्म्स हैं उसके साथ कितना ज़्यादा लिंक्ड हैं. सो ओवरऑल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जो है लिंक्ड को असेस किया जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में, और जितना ज़्यादा एक टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी उतना ज़्यादा ही वो टेस्ट वैलिड होगा. नंबर 32, इफ द न्यू टेस्ट इज वैलिडेटेड बाय कंपैरिजन विद द करेंटली एग्जिस्टिंग क्राइटेरियन, वी विल से वी असेसिंग कॉन्करेंट वैलिडिटी. कॉन्करेंट वैलिडिटी नेम से ही समझ आ रहा है कि रिलेट कर रहा है करंट सिचुएशन से. सो जब भी एक न्यू टेस्ट बनेगा एग्जिस्टिंग टेस्ट के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि क्या ये कंपैरेबल है, क्या इसके स्कोर्स और इसके इंटरप्रिटेशंस लिंक्ड हैं उस करंट टेस्ट के साथ जो कि पहले यूटिलाइज हो रहा था. जैसे कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, न्यू इंटेलिजेंस टेस्ट को कंपेयर किया जाएगा एग्जिस्टिंग टेस्ट के साथ ताकि ओवरऑल उसकी वैलिडिटी को असेस किया जा सके. Number 33, predictive validity and concurrent validity are subtypes of which validity? So predictive validity and concurrent validity are the types of criterion validity. Number 34, SAT test is an example of which validity test? So it is an example of predictive validity test, yani ke ye subtype hai criterion validity ki. Aur predictive validity test ke accordingly usually test ऐसे टेस्ट जो कि आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, यानी कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन जब की जाएगी तो वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में आएगा, जिसमें सैट की एग्जांपल आ सकती है, जीआरई की एग्जांपल आ सकती है. नंबर 35, द डिग्री टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च आर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल इज नोन एज रिलायबिलिटी.
Number 36. Type of reliability that measures the consistency of results when you repeat the same test on the same sample at a different point in time. So, यहाँ पे क्या है? एक टेस्ट को different point of time पर दोबारा administer किया जाता है ताकि results की consistency को assess किया जा सके. So, it is test retest reliability. Number 37. A type of reliability which measures the correlation between two equivalent versions of test. You use it when you have two different assessment tools or set of questions designed to measure the same thing. इसमें equivalent version of test जो होते हैं, two equivalent version of test present होते हैं और उन दोनों के दरमियान correlation को check करना होता है कि क्या वाकई ही एक ही construct पे या एक ही topic पे जो टेस्ट बनाई गई है क्या दोनों में उनके आइटम्स सेम हैं, क्या ओवरऑल परसेंट एज जो है वो दोनों आइटम्स की दोनों वर्जन्स में प्रेजेंट है या नहीं. सो ओवरऑल कोरिलेशन चेक करने के लिए इस रिलायबिलिटी को यूटिलाइज किया जाता है जिसका नाम है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. नंबर 38. डैश मेजर्स द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग और असेसिंग द सेम थिंग. ऑप्शन ए इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी इंटर ऑब्जर्वर, ऑप्शन सी टेस्ट रीटेस्ट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो इंटर रेटर या फिर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी ओवरऑल मेजर करती है कि एक रिसर्चर या फिर ऑब्जर्वर दूसरे रिसर्चर ऑब्जर्वर के साथ कितना एग्री करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट के आइटम्स पे कि वो ओवरऑल रिलायबल हैं या नहीं है. सो इसमें एग्रीमेंट देखा जाता है बिटवीन ऑब्जर्वर्स ताकि ओवरऑल कंस्ट्रक्ट को असेस किया जा सके कि वो कितना ज़्यादा रिलायबल है. नंबर 39. डैश असेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट. ओवरऑल एक कंस्ट्रक्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनके दरमियान की कोरिलेशन यानी कोरिलेशन बिटवीन आइटम्स जब असेस की जाती है कि ओवरऑल एक कंस्ट्रक्ट को जो आइटम्स प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी कहा जाता है जब आइटम्स के दरमियान की कोरिलेशन को असेस किया जाता है. नंबर 40. हाउ वी कैन असेस इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम्स. ऑप्शन ए थ्रू स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी एवरेज इंटर आइटम रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी क्रॉनबेक्स अल्फा रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. अगर हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करें तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के जरिए या फिर इंटर आइटम रिलायबिलिटी के जरिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को असेस कर सकते हैं कि ओवरऑल आइटम्स के दरमियान कितनी कंसिस्टेंसी है या फिर कोरिलेशन है. स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही कंस्ट्रक्ट को या फिर एक ही टेस्ट को स्प्लिट कर दिया जाता है टू पार्ट्स में और वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है और एट द एंड दोनों के रिजल्ट्स को असेस किया जाता है कि वो कोरिलेटेड हैं या इनके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी है या नहीं. इसी तरह अगर हम इंटर आइटम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो इंटर आइटम रिलायबिलिटी में आइटम्स के दरमियान की कंसिस्टेंसी को असेस किया जाता है और जितने भी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर मल्टीपल आइटम्स प्रेजेंट होते हैं और ओवरऑल वो किसी एक कंस्ट्रक्ट को या फिर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट को असेस कर रहे होते हैं. सो टोटल जो स्कोर होता है वो हर कंस्ट्रक्ट का सम अप किया जाता है और उनके दरमियान आइटम्स के दरमियान की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट की जाती है. जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर इंटर आइटम रिलायबिलिटी जो होती है वो हाई होती है. नंबर 41. व्हेन द पीपल आर क्लासिफाइड लाइक ब्लू आइड, ब्लैक आइड, ब्राउन आइड एक्सेट्रा दे आर इन नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल के अंदर लेवल्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने डिफरेंट ह्यूमंस को असाइन कर दिए हैं लेवल्स. सो ये नॉमिनल स्केल के अंदर आएगा. नंबर 42. रैंकिंग ऑर्डर और मेरिट पोजीशन आर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और ज़्यादातर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ इसमें होती हैं जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे की जिसमें प्रोडक्ट के बारे में एक कस्टमर जो है वो अपनी राय देता है कि वो सेटिस्फेक्ट्री है, डिससेटिस्फेक्ट्री है, न्यूट्रल है या फिर हाईली सेटिस्फेक्ट्री है. इसके अलावा जैसे हैप्पीनेस है, डिसकम्फर्ट है, ओवरऑल हम कह दें सेटिस्फेक्शन है, ये सारी जो टर्म्स हैं ये
ऑर्डिनल स्केल के अंदर आएंगी, क्योंकि इसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी इनको नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हम कह सकते हैं। नंबर 43, रैंक ऑर्डर और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड व्हेन द डाटा आर इन ऑर्डिनल स्केल। नंबर 44, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स एंड स्कोर ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट कम अंडर रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नोन होता है, यानी कि जीरो से अबव वैल्यूज जो हैं वो लाई करती हैं, बिलो जीरो कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती रेशियो स्केल में। सो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो जीरो से ऑनवर्ड जो है हम असेस कर सकते हैं कि एक पर्सन की ओवरऑल इंटेलिजेंस क्या है या इंटेलिजेंस लेवल क्या है। सो इस लिहाज से सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स और इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर जो हैं वो रेशियो स्केल के अंडर आते हैं। नंबर 45, इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन वी कम अक्रॉस मेजरमेंट डाटा हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे डोंट हैव एब्सोल्यूट जीरो। और हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जो कोरिलेशन अगर हमने किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान, टू वेरिएबल्स के दरमियान अगर हमने कोरिलेशन को असेस करना है तो वो उसकी वैल्यू -1 टू +1 लाई करेगी, यानी बिलो जीरो भी वैल्यूज लाई करती हैं। सो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में डाटा जो होता है वो यूजुअली इंटरवल स्केल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 46, व्हिच स्केल हैज़ ट्रू जीरो पॉइंट एंड कंस्टिट्यूट्स द हाईएस्ट टाइप ऑफ स्केल इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। इट इज़ रेशियो स्केल, जिसमें ट्रू जीरो पॉइंट जो है वो नोन होता है और ओवरऑल मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली भी ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइप ऑफ स्केल कहलाया जाता है। नंबर 47, ग्रुप डाटा और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली थ्रू ऑल ऑफ अबव। अगर हम डाटा, ऐसा डाटा जो ग्रुप डाटा है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हिस्टोग्राम, पॉलीगोन या फिर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 48, व्हिच वन ऑफ द सिंपलेस्ट बट मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को बहुत सिंपलेस्ट और यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। नंबर 49, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा। स्कोर्स आर 3, 2, 1, 4, 5। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और सम कर दिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स के साथ जो कि 5 हैं। सो 15 डिवाइडेड बाय 5, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। नंबर 50, द पॉइंट ऑन द स्कोर स्केल व्हिच 50% ऑफ द स्कोर्स फॉल इज कॉल्ड मीडियन। 50% स्कोर जो होगा बेसिकली उसको मीडियन कहा जाता है, आप इसको मीडियम से याद कर लें। नंबर 51, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा इज, सो द स्कोर्स आर 7, 8, 5, 0, 3, 4, 6। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 5। सो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अरेंज कर दिया, और ये हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमेशा जो मिड में वैल्यू होगी वही मीडियन कहलाएगी, और यहाँ पे मिडल वैल्यू जो है वो 5 है, सो द राइट ऑप्शन इज 5। इसी तरह अगर डाटा इवन होता है सो इवन नंबर के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है n+1/2, और फिर जो है वो मीडियन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर 52, द स्कोर्स विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड मोड। नंबर 53, द मीन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 एंड मीडियन इज 28, सो व्हाट विल बी द मोड। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 36। इसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है 3 median - 2 mean। 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है मीडियन वैल्यू के साथ जो कि 28 है, और माइनस का साइन फिर 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा मीन की वैल्यू से जो कि 24 है, और इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया जाता है और फिर राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाता है, यानी मोड हमारे पास आ जाता है। नंबर 54, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैज़ द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी। सो इट इज मीन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी। नंबर 55, व्हेन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजायर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन। नंबर 56, वेयर अ क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिजायर्ड वी जनरली कंप्यूट मोड। क्योंकि मोड डाटा के अंदर ऑब्वियस होता है क्योंकि ये रिपीटेटिव वैल्यूज होती हैं, सो इस लिहाज से अगर क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए सो हम मोड को कंप्यूट कर सकते हैं। नंबर 57, व्हेन डाटा आर ग्रुप्ड इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल व्हिच कंटेन्स द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड।
When the scores are distributed symmetrically around a central point and the distribution is not badly skewed, we generally compute mean. Overall, जब डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है सिमेट्रिकल होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बैडली स्क्यूड नहीं होती तो हम मीन कंप्यूट करते हैं. नंबर 59, क्यूम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व इज अदरवाइज नोन एज ओजिव. नंबर 60, द एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 20 टू 25 इज. क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अपर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करने पड़ते हैं और लोअर क्लास लिमिट से में 0.5 ऐड करने पड़ते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 19.5 टू 25.5. नंबर 61, व्हेन द ग्रुप इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ नियरली द सेम एबिलिटी इट इज कॉल्ड होमोजेनियस ग्रुप. नंबर 62, द इंटरवल बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज पॉपुलरली नोन एज रेंज. Hi, it's a reminder. Before moving on to the next slide, please subscribe the channel as YouTube Analytics has showed that 49.8% viewers don't subscribe the channel and they just watch videos. So first of all, show your support, go and subscribe the channel and then continue the video. Number 63. If the highest score is 89 and the lowest score is 19, the range is 70. रेंज के लिए हमें हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो हम रेंज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो 89 माइनस 19 द आंसर इज 70 एंड 70 इज रेंज. नंबर 64, Q2 इज आल्सो नोन एज मीडियन. नंबर 65, द एवरेज डेविएशन इज अदरवाइज नोन एज मीन डेविएशन. Number 66, the most stable index of variability is standard deviation. Number 67, when the data are too scattered to justify the computation of more precise measure of variability, we generally use range. Number 68, a variable that is correlated with the independent variable and thus can be responsible for the effect in questions is known as confounded variable. ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर जाता है और उसके इफेक्ट्स भी होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो उसे कंफाउंडेड वेरिएबल कहा जाता है. नंबर 69, व्हेन वी असाइन नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स और मेंटल फिनोमेना वी ऑब्टेन स्केल. नंबर 70, इंटरवल स्केल कंटेन्स इक्वली अपेयरिंग यूनिट्स. इक्वली अपेयरिंग यूनिट एक टेक्निक है जो थर्स्टन ने यूटिलाइज की थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल जिसके अकॉर्डिंगली एक पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है जिसमें जजेस जो हैं वो असेस करते हैं हर स्टेटमेंट को और जो जजेस ओवरऑल जिन स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करते हैं वैल्यूज देते हैं हाई प्रायोरिटी देते हैं वही सेलेक्ट होती हैं एक स्केल के लिए और जितनी ज़्यादा आइटम्स या फिर स्टेटमेंट्स सेलेक्ट होती हैं वही टेस्ट में इंक्लूड की जाती हैं और ओवरऑल जजेस के अकॉर्डिंगली एक अजम्पशन बनाई जाती है कि हर स्टेटमेंट जो है वो डिस्टेंट है डिफरेंट है और ओवरऑल एक एटीट्यूड को असेस कर रही है. नंबर 71, डैश स्केल हैव एब्सोल्यूट जीरो सो रेशियो स्केल हैव एब्सोल्यूट जीरो. नंबर 72, मेथड ऑफ रेटिंग और मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज इज अदरवाइज नोन एज मेथड ऑफ ग्रेडेड डाइकोटमीज. Number 73, the first rating scale was developed by Dalton in 1883. Number 74, the method of ranking was formally known as the method of order of merit. Number 75, the method of paired comparison was introduced by Cohen. Number 76, the term mental test was first employed by Cattell. Number 77, from the following, who is the first scientist to undertake systematic and statistical investigation of individuals' differences? Francis Galton. Number 78, a research study in realistic situation in which one or more independent variables are manipulated by the experimenter under carefully controlled conditions as the situation permits is known as A failed experiment. एक experiment के अंदर ही एक researcher independent variable को manipulate कर सकता है और उसके results या उसके effects जो हैं वो dependent variable पे
असेस कर सकता है या चेक कर सकता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नंबर 79. Which type of research is approached through the methods of personal interviews, mail questionnaires and personal discussions beside indirect oral investigation? So it is survey research. Number 80. A research through launching of a direct action with objective of obtaining workable solutions to the given problem is known as action research. A direct action jab स्टार्ट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए और वर्केबल सॉल्यूशंस जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, तो वो एक्शन रिसर्च जो है वो यूटिलाइज की जाती है. नंबर 81. अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू डिटरमिन इट्स वैलिडिटी इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. नंबर 82. द लीस्ट नोटिसेबल वैल्यू ऑफ अ स्टिमुलस इज कॉल्ड स्टिमुलस थ्रेशोल्ड. Number 83. Which method is regarded as the most preferred method of psychology? Experimental method. क्योंकि psychology का start ही experimental method से हुआ है और ये बहुत ज़्यादा scientific है, इस लिहाज से ही बहुत ज़्यादा preferred method consider किया जाता है psychology में. Number 84. I bet this will happen if I do this. Design of experimentation otherwise known as hypothesis testing. हाइपोथेसिस में यूजुअली हम पहले से ही assumptions या predictions जो हैं वो सेट कर देते हैं कि इस तरह के results होंगे. सो ओवरऑल अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो हम इसी तरह से इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये सिचुएशन फ्यूचर में होगी. आई बेट दिस दिस विल हैपन. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नंबर 85. चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज द सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स and doesn't change during experimental period is the main objective of experimental control. एक experimental settings के अंदर यही focus किया जाता है कि जो changes हैं dependent variable में वो independent variable की वजह से ही हों और overall जितने भी subjects हैं उन पर effect जो है वो independent variable का हो. So experimental control basically यही होगा कि आपके results जो हैं वो just independent variable की वजह से सामने आए और इसमें कोई भी कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व ना हो. नंबर 86. फील्ड स्टडी मेथड इज मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. नंबर 87. इन स्टडिंग द पब्लिक ओपिनियन सर्वे रिसर्च इज अप्लाइड. नंबर 88. विच स्केल रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड इम्पार्ट्स द लीस्ट इंफॉर्मेशन. इट इज नॉमिनल स्केल. अगर हम स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकली या न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव है ज़्यादा और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो एड नहीं होती. नंबर 89. विच स्केल हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इट इज़ रेशियो स्केल. Number 90. The most common method of sampling in marketing researches and election poll is quota sampling. Quota sampling एक non-probability sampling technique है जिसमें overall sample जो है same proportion होती है sample की. अगर उसको compare किया जाए population के साथ उसके characteristics traits जो हैं वो एक population से match कर रहे होते हैं, लेकिन at the end ये non-probability sampling technique consider की जाती है. Number 91. Itemized rating scales are otherwise known as rank order scales. Number 92. The men of medicine of the ancient as well as the modern tribal groups are master in the techniques of suggestions and hypnosis. Number 93. A latest development of applied social psychology which is concerned with the application of psychology in solving the problems of communities of people like village community, the urban community and the social backward community etc. is popularly known as community psychology. Number 94. Naturalistic observations on children are usually possible in a school. क्योंकि एक स्कूल एक ऐसी settings है जिसमें child का या फिर student का behavior assess किया जा सकता है, classroom settings में भी और overall break time में वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स उसके किस तरह से हैं, वो एक स्कूल सेटिंग्स में ही असेस किए जा सकते हैं. नंबर 95. प्रोजेक्टिव टेस्ट इज अ नॉन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन.
Number 96. The concept which refers to consistency of scores obtained by the same person when re-examined with the same test on the different occasion is known as reliability. Number 97. Experimental analysis enable us to discern lawful relationship between antecedents and consequence involved in behavior. Number 98. Experimenter in psychology firmly believes that white children are inherently superior to the black children. Naturally, he would never think of home environment as an explanation. So this is an obvious example of experimenter's biasness. Number 99. Regulating the relevant variable is called experimental control. Number 100. The simplest experimental method is that in which the experimenter manipulates only one variable. Number 101. When more than one independent variable works in an experimental situation, it is called none of the above, because experimental methods ke further types jo hai yahan pe explain ya mention nahi hui bhi. So the right option is option D. Number 102. List of all units in population are called sampling frame. Number 103. Any numeric value calculated from sample data is called statistic. Sample data ke liye jo value hogi usko hamesha se statistic kahenge. Number 104. The sample data is subset of population. Number 105. Any numeric value computed from the population is called parameter. अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो सैंपल की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी और पॉपुलेशन की न्यूमेरिक वैल्यू पैरामीटर कहलाएगी. नंबर 106. इन रैंडम सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन. हमेशा रैंडम सैंपलिंग में ओवरऑल हर पर्सन जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है और प्रोबेबिलिटी जो है वो नोन होती है के पॉपुलेशन के अंदर से जो हमने सैंपल उठाया है वो सिग्निफिकेंट है या फिर रैंडम है. नंबर 107. स्नोबॉल सैंपलिंग कैन हेल्प द रिसर्चर टू ऑप्शन ए असेस डेविएंट पॉपुलेशन, ऑप्शन बी असेस हिडन पॉपुलेशन, ऑप्शन सी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एन एक्सेसिबल सैंपलिंग फ्रेम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस. Number 108. Which of the following is non-probability sampling? Systematic, stratified random sampling, quota sampling, or simple random sampling? So the non-probability sampling technique is quota sampling. Number 109. The standard error is the statistical measure of option A, normal distribution of score around the sample mean, option B, the extent to which sample is likely to differ from one population mean, option C, degree to which sample has been accurately stratified, and option D, clustering of scores at each end of survey scale. So, standard error is known as the extent to which the sample is likely to differ from the population mean. So, overall, ये measure करता है कि कितना जो है वो sample differ कर रहा है population mean से. Number 110. What effect does increasing the sample size have upon the sampling error? अगर एक सैंपल का साइज इंक्रीज कर दिया जाता है तो सैंपलिंग एरर पे उसका क्या इफेक्ट आएगा? इट बेसिकली रिड्यूसेस द सैंपल एरर. 111. द टर्म डाटा प्रोसेस एरर रेफर्स टू ऑप्शन ए एक्टिविटीज रिलेटेड टू सैंपलिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी फॉल्टी टेक्निक्स ऑफ कोडिंग एंड मैनेजिंग डाटा, ऑप्शन सी अनअवॉइडेबल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, ऑप्शन डी प्रॉब्लम्स इन ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस. The right option is option B, faulty techniques of coding and managing data. 112. Which of the following is type of non-probability sampling? Option A, convenience and quota sampling, option B, purposive sampling, option C, snowball sampling, and option D, all of these. The right option is option D, all of these. So there are four types of non-probability sampling: convenience, quota, purposive, and snowball sampling. Number 113. Which one of the following is probability sampling technique? Systematic and clustered sampling, option B, simple random sampling,
option C, clustered sampling, and option D, all of these. So the right option is option D, all of these. So these all are probability sampling techniques. 114. That shows how likely a pattern in your data is due to chance. The right option is option D, both A and B. So alpha and significance level, दोनों ही टर्म्स यूटिलाइज की जाते हैं ओवरऑल डाटा के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना जो है वो डाटा ड्यू टू चांस है और कितना डाटा एक्यूरेट है. 115. इफ देयर इज अ 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस, व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंस वैल्यू? इट वुड बी 0.05. दैट इंडिकेट्स कि 95% डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट है यानी एक्यूरेट है और जिसमें 5% रिस्क फैक्टर्स है यानी थोड़ा सा वैल्यूज जो है वो स्लाइटली डिफर करेंगी. 116. हाईएस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.01. 117. व्हिच इज द मीडियम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? 0.05 इज द मीडियम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 118. व्हिच इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? 0.10 इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 119. Dash value means there is a 99% chances of its being true. So, it is 0.01 value that indicates that overall the research is 99% true or significant. 120. If a null hypothesis is true and researcher rejects the null hypothesis, what are the outcomes? He has committed type 1 error. 121. If a null hypothesis is false and researcher accepted, what are the results? He has committed type 2 error. Number 122. If a null hypothesis is false and researcher rejected, what are the results? It's a correct decision. Jab researcher jo hai wo right decision leta hai, null hypothesis bhi false hota hai, usko wo reject bhi kar deta hai. So overall ye correct decision kehlata hai. Number 123. Dash has more than one variable or factors in a study. It is factorial design, जिसमें overall factors जो हैं वो different conditions variables की बन जाती हैं या फिर more than one variable जो है utilize किया जाता है. Number 124. When neither the experimenter nor the participants know which experimental condition the participants has been assigned to is known as double blind technique. And the last one is 125. What are the field experiments and natural experiments collectively known as? These are known as quasi experiments. Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe the channel for the latest updates. Thank you.